हरे कृष्णा, कौन क्या है? इस्कॉन किसने बनाई थी संस्था, और इस्कॉन किस संप्रदाय को बिलोंग करता है? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले किसी ने, मैं जब भी ये तिलक लगा के बाहर जाती हूँ तो मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस्कॉन को जानते नहीं है, पता ही नहीं कि इस्कॉन क्या होता है, और वो मुझे देखते हैं तो पूछते हैं कि तिलक कहाँ से लगाया आपने, कौन कौन इस तिलक को लगा सकते हैं। और तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्कॉन को नहीं जानते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि इस्कॉन क्या होता है। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिन्हें नहीं पता कि इस्कॉन क्या होता है और इस्कॉन किस संप्रदाय से बिलोंग करता है, इस्कॉन में क्या क्या एक्टिविटीज की जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है, दीक्षा लेनी हो, तो भगवान ने हमारे इसके लिए चार संप्रदाय बनाई है कि हम ज्ञान किसके थ्रू प्राप्त करें, कैसे गुरु बनाएं, कौन से संप्रदाय में जाएं। भगवान ने चार संप्रदाय बनाई हैं, जिसमें से जब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो एक ब्रह्म संप्रदाय बनी, फिर जब उन्होंने शिव जी को ज्ञान दिया तो शिव, जिसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं, रुद्र संप्रदाय बनी। थर्ड, जब उन्हें लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया तो वह श्री संप्रदाय बनी, और चौथी, जब उन्होंने सनत कुमारों को ज्ञान दिया तो कुमार संप्रदाय। अब क्वेश्चन आता है कि इस्कॉन किस संप्रदाय में आती है, इस्कॉन के लोग कौन से संप्रदाय को फॉलो करते हैं। भगवान कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो ब्रह्म संप्रदाय बनी, और कलयुग में इसके इनके मुख्य थे माधवा जी, और जब चैतन्य महाप्रभु आए तब एक गौड़िया नाम और जुड़ गया, तो इस संप्रदाय को बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। तो इस संप्रदाय का पूरा नाम पड़ा ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। तो इस्कॉन में जितने भी लोग हैं वो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, और ये भगवान की दी हुई चार संप्रदायों से एक संप्रदाय है जो कि पूरी तरीके से लीगल है, इस संप्रदाय में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके अलावा, इन चार संप्रदायों के अलावा अगर कोई भी अपनी संप्रदाय बनाता है तो वो उनका अपना मत है, और इसी संप्रदाय से श्रील प्रभुपाद जी ने एक संस्था शुरू करी जिसका नाम है इस्कॉन। इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन में जो भी कार्य किया जाता है वो संप्रदाय के अकॉर्डिंग और पूरी विधि विधान के साथ किया जाता है। इस्कॉन संस्था में भगवान को डेली स्नान करके उनके डेली वस्त्र चेंज किए जाते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार किया जाता है, भगवान को सुंदर सुंदर तरीके से सजाया जाता है, भगवान की नित्य सेवा की जाती है, भगवान को कई तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है दिन में 5 बारी। अन्य संस्थाओं में ऐसा नहीं होता है, साल में 1 बार या 2 बारी वो लोग भगवान की ड्रेस चेंज करते हैं। कोई फेस्टिवल आता है, मान लीजिए माता रानी है, नवरात्र आए हैं, तो नवरात्रों में साल में 2 बारी ड्रेस चेंज हो जाती है, अदरवाइज ड्रेस चेंज नहीं होती, ना ही वहाँ पे भोग लगता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज का डेली उस चीज का भोग लगाया जाता है। अगर कोई भक्त प्रसाद ले आता है बाहर से तो उसका भोग लगा दिया जाता है, कौन में ऐसा नहीं होता है, बाहर की चीजों का भोग नहीं लगाया जाता है। भगवान को मंदिर में बनाई हुई चीजों का ही, सिर्फ चीजों का ही भोग लगाया जाता है। जो भी पुजारी होते हैं वो जब भी सेवा के लिए जाते हैं उतनी बार स्नान करते हैं, अगर वो शौच कार्य के लिए जाते हैं तो अभी वो स्नान करते हैं। भगवान की सेवा में शुद्धता का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और कौन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, वे सभी इस नियम को फॉलो करते हैं। जो अपने घर में भी जिन लोगों ने भगवान को रखा हुआ है या भगवान की फोटोज भी रखी हुई हैं, जिनके घर में डीटीज नहीं है वो भगवान की फोटो की सेवा कर रहे हैं, भगवान की फोटोज को रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं, तो वो भी इन नियमों का पालन करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि पुजारी ही इस नियम का पालन करता है, नहीं, जो घर में भी कौन से जुड़े हुए हैं, घर में भी जो लोग सेवा कर रहे हैं वो सब लोग भी इन नियमों का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी ने 4 नियम बनाए हैं, इजी वे में आपको समझाती हूँ। पहला, अनियन गार्लिक नहीं खाना है, बाहर की कोई भी चीज नहीं खानी है, भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाना है, ठीक है। दूसरा है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। तीसरा है, जुआ सट्टा वर्जी ये सब नहीं करना है। चौथा, अवैध संबंध किसी से भी नहीं रखना है। तो इन 4 नियमों का पालन सभी लोग जो कौन से जुड़े हैं सभी के सभी करते हैं, और ये 4 नियम हमें मनुष्य बनाते हैं, भक्त नहीं बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। तो इन 4 नियमों का जब हम पालन करते हैं तो हम सिर्फ मनुष्य बनते हैं, भक्त नहीं बनते हैं।
भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। और वो भक्ति कैसे होगी? भक्ति होगी जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, और जब हम भगवान के बारे में जानेंगे तो हमें भगवान से प्रेम होगा, हम उनको सरेंडर कर पाएंगे। जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं तब तक हमें उनसे प्रेम नहीं होता है। जब हम प्रेम ही नहीं होगा तो हम किसी के साथ कैसे रह पाएंगे? ऐसे ही जब तक हम भगवान की कथाओं, भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं जान पाते हैं तब तक हमें भगवान से प्रेम नहीं होता है। और जब भगवान से प्रेम नहीं होता है तो भगवान से एक रिश्ता, एक कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है, और हम भगवान को पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में, भगवान के बारे में बताएगा कौन? वो होते हैं हमारे गुरु। तो जो हमारे गुरु होते हैं, चाहे वो हमारे मेंटर हैं, चाहे हमारे शिक्षा गुरु हैं, चाहे हमारे दीक्षा गुरु हैं, तो ये सभी जो गुरु हैं, ये सभी हमें भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, उनके बारे में बताते हैं। 16 माला का नियम है, जब गुरु हमारी लाइफ में आते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें सही गलत का फर्क बताते हैं, हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं, तभी भगवान हमें एक्सेप्ट करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी अपने गुरु बनाए थे, चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु बनाए थे। भगवान ये बताना चाहते हैं कि जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए